नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीपीएफ को लेकर हमारा ये 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियोस हम डाल चुके हैं जिसमें हमने पीपीएफ की एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। आज के वीडियो में हम आपको मेनली ये बताएंगे कि पीपीएफ को एक्सटेंड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। चलिए इससे पहले पीपीएफ के ज़रा मेन रूल्स पर एक नज़र डालते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि पीपीएफ 100% सेफ स्कीम है। आप बैंक में खोलिए चाहे पोस्ट ऑफिस में खोलिए, दोनों जगह आपको मिल जाता है और 101% सेफ है। चाहे बैंक दिवालिया हो जाए तब भी पीपीएफ के पैसे को 1% भी कोई खतरा नहीं होता। 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर, और ये जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है ये आपकी पहले 15 साल भी 1.5 लाख की रहती है। और अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तब भी मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट आपकी 1.5 साल ही रहती है, और आप जितनी बार चाहें उतनी बार डिपॉजिट कर सकते हैं। आमतौर पर लोगों को वहम रहता है कि महीने में एक बार ही हम पीपीएफ में डिपॉजिट दे सकते हैं। नहीं दोस्तों, चाहे आप रोज़ कुछ ना कुछ रकम जमा करवाइए, साल में 365 दिन डिपॉजिट करवाइए तब भी आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। इनकम टैक्स की बात करें तो कोई टैक्स पीपीएफ पर नहीं लगता, ना कोई इनकम टैक्स है ना कोई जीएसटी है। 1.5 लाख रुपये तक की रिबेट आपको मिल जाती है एटीसी के अंदर। कोई भी भारतीय नागरिक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। 6 महीने का बच्चा भी इन्वेस्ट कर सकता है, 100 साल का बुजुर्ग भी इन्वेस्ट कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट आप नहीं खोल सकते पीपीएफ में, एनआरआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, एचयूएफ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। किसी एचयूएफ का पुराना अकाउंट अगर खुला हुआ है वो इसके अंदर बना रह सकता है 15 साल पूरे होने तक, लेकिन उस अकाउंट को वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा या नया अकाउंट एचयूएफ नहीं खोल सकता। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख किसी भी महीने की इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने का बेस्ट समय होता है, सबसे बेहतरीन समय है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल अगर आपके पास फंड्स हैं। अगर आपके पास अप्रैल महीने में फंड नहीं है, आप किसी और मंथ में डिपॉजिट देना चाहते हैं, तो 1 तारीख से 5 तारीख तक के बीच में आप इन्वेस्ट कीजिए। इस समय पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% चल रहा है जो कि फ्लोटिंग है, यानी हर 3-3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट रिव्यू होता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। जिस समय जो रेट चल रहा होगा और जो आपका अकाउंट बैलेंस होगा वो अगले 3 महीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। पीपीएफ के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, लोन की डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। विड्रॉल कर सकते हैं पार्शियल, कब कर सकते हैं कितना कर सकते हैं इसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है। मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है जिसे हम कहते हैं इनिशियल मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि इसमें आपको एक्सटेंशन की ऑप्शन मिल जाती है। और जब पीपीएफ को एक्सटेंड करने की बात आती है तो इसमें आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस हैं, इसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो अलग से अपलोड है, यहाँ थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे। पीपीएफ के अकाउंट को आप 5-5 साल के ब्लॉक्स में जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एक बार जब आप एक्सटेंड करेंगे तो वो 5 साल के लिए होगा, वो 5 साल पूरे होने के बाद फिर से 5 साल के लिए कर सकते हैं, फिर 5 साल का समय पूरे होने के बाद फिर से 5 साल के लिए कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आप पीपीएफ में और पैसा डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। अगर आप पीपीएफ के अंदर और पैसा डालना चाहते हैं तो एक्सटेंशन विद डिपॉजिट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सटेंशन विद डिपॉजिट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो मिनिमम हर साल आपको 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये ही जमा करवा सकते हैं आप। इसके अंदर आपको हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बार पैसा विड्रॉ करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ये जो एक बार आपको अनुमति मिलती है ये एक्सटेंशन पीरियड के स्टार्टिंग से जो आपका बैलेंस था उसका 60% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके पीपीएफ अकाउंट में एक्सटेंशन पीरियड जब आपका स्टार्ट हुआ उसके पहले दिन बैलेंस था 10 लाख रुपये, तो उसका 60% यानी कि 6 लाख रुपये ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने 6 लाख एक बार विड्रॉ कर लिया तो आप अगले 4 साल तक कुछ भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मान लीजिए एक बार 20% विड्रॉ किया यानी कि 2 लाख रुपए निकाल लिया तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप दोबारा विड्रॉ करें। अगले फाइनेंशियल ईयर में आप बाकी रहता 40% विड्रॉ कर सकते हैं। इसके विपरीत विदाउट एक्सटेंशन के अंदर आपका जो भी अकाउंट बैलेंस है वो पीपीएफ अकाउंट में आपका बना रहेगा, लेकिन आप और पैसा उसमें नहीं डाल सकते।
इसमें भी आपको हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार पैसा निकालने का मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पैसा निकालने की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 1,000 रुपये निकालिए, चाहे जितना पैसा पड़ा है सारे का सारा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ साल में एक बार। और एक बार अगर आपने एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट का ऑप्शन चूज़ कर लिया, आप बदल कर बाद में उसको एक्सटेंशन विद डिपॉजिट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें एक्सटेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हमारी राय इसमें यह रहेगी कि पीपीएफ का एक्सटेंशन आपको ज़रूर लेना चाहिए, और पीपीएफ का सही फायदा ही आपको एक्सटेंशन पीरियड में मिलता है। जब आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था तो 15 साल का लंबा लॉक इन पीरियड था, उसके लिए आपको ATC का बेनिफिट दिया जा रहा था, इनकम टैक्स के बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, लेकिन अब तो आपका लॉक इन सिर्फ 5 साल का है। चाहे आप विद डिपॉजिट चूज करते हैं या विदाउट डिपॉजिट चूज करते हैं, दोनों ही में लॉक इन तो सिर्फ 5 साल का है। 5 साल की ऐसी और कोई स्कीम नहीं है जो टैक्स फ्री हो, 100% टैक्स फ्री हो, और साथ ही साथ आपको 60% अमाउंट विड्रॉ करने का मौका मिलता है विद डिपॉजिट में, और पूरे का पूरा पैसा निकालने का ऑप्शन मिल जाता है विदाउट डिपॉजिट में। तो क्यों ना हम PPF का अकाउंट एक्सटेंड करें, हर हाल में एक्सटेंड करना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 60% से ज़्यादा रकम की आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप विदाउट डिपॉजिट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जितने भी PPF अकाउंट होल्डर्स हैं उनको विदाउट डिपॉजिट का ऑप्शन तो ज़रूर चूज़ करना चाहिए। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होगा कि जो भी आपका PPF अकाउंट का बैलेंस है वो अगर आप निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग हर स्कीम टैक्सेबल है उसका इंटरेस्ट, लेकिन PPF टैक्स फ्री रहेगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब चाहें उस सारे के सारे पैसे को वापस निकाल सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको सारी रकम की ज़रूरत नहीं भी है तो जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप विद डिपॉजिट का भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा है। साथ में तो आपको 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष डिपॉजिट करने का मौका मिल रहा है जो कि टैक्स फ्री इनकम आपको आएगी। साथ ही साथ आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो आप अकाउंट बैलेंस का 60% वापस निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमारा कंक्लूजन ये है कि PPF अकाउंट को एक्सटेंड ज़रूर करना चाहिए, विदाउट डिपॉजिट या विद डिपॉजिट ये आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेकिन अगर विद डिपॉजिट नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट विदाउट डिपॉजिट तो इसको एक्सटेंड हर हाल में करना ही चाहिए। PPF को लेकर अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, और आपको PPF के सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए डिफरेंट मूव्स।